फ्रेंड्स, बहुत सारे नए राइटर्स के मन में एक डाउट रहता है कि स्टोरी बाय और रिटन बाय में क्या अंतर होता है। जो फिल्म के टाइटल्स चलते रहते हैं, उन टाइटल्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कभी कभी स्टोरी बाय लिखा आता है और कभी रिटन बाय लिखा आता है। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो अगर आप एक राइटर है, आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये चीज़ एक राइटर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टोरी बाय और रिटन बाय में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टोरी बाय का मतलब क्या होता है। स्टोरी बाय का मतलब है कि जिसे भी ये क्रेडिट दिया गया है, जिस राइटर को या फिर जिस ग्रुप ऑफ राइटर्स को ये क्रेडिट दिया गया रहता है, वो सिर्फ उस फिल्म के स्टोरी को लिखे होते हैं। यानी उनके द्वारा स्टोरी बताई गई होती है और उसका स्क्रीन प्ले उनके द्वारा लिखा गया नहीं होता है, ना ही उनके द्वारा डायलॉग्स को लिखा गया होता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को जो राइटर्स लिखते हैं, जो राइटर्स बताते हैं स्टोरी को, तो उनको स्टोरी बाय का क्रेडिट दिया जाता है फिल्म में। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जिनकी स्टोरी होती है उन्हें स्टोरी बाय का क्रेडिट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि रिटन बाय का मतलब क्या होता है। रिटन बाय का मतलब होता है कि जिसने फिल्म के लिए स्टोरी भी लिखी हो और स्क्रीन प्ले भी लिखा हो। तो जिस राइटर ने या फिर जिस ग्रुप ऑफ राइटर्स ने स्टोरी भी लिखा हो फिल्म की और उसकी स्क्रीन प्ले भी तैयार की हो, उसे रिटन बाय का क्रेडिट दिया जाता है। यानी रिटन बाय में स्टोरी बाय, स्क्रीन प्ले बाय, सारा कुछ आ जाता है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि डायलॉग्स जो है वो कोई और राइटर लिख सकते हैं, फिल्म की लिरिक्स जो है वो कोई और राइटर लिख सकते हैं, उसमें लिरिसिस्ट के रूप में दूसरे राइटर का नाम आ जाएगा, या फिर डायलॉग्स राइटर के नाम में किसी दूसरे राइटर का नाम आ सकता है। पर रिटन बाय का सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो मतलब होता है कि जिसने स्टोरी भी लिखी हो और जिसने उसका स्क्रीन प्ले भी लिखा हो। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, स्टोरी बाय और रिटन बाय में क्या डिफरेंस होता है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म में देखें स्टोरी बाय और रिटन बाय, तो अब आप आसानी से उसके मतलब को समझ पाएंगे कि किस राइटर ने क्या लिखा है। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको ये मतलब पता होनी चाहिए कि स्टोरी बाय और रिटन बाय में क्या अंतर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है rsfilmsproductions2018@gmail.com। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।